नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल के ग्राम पारसिंगा में दुर्लभ प्रजाति का स्तनधारी वन्य जीव पेंगुलिन मिला। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल के मुलताई क्षेत्र के ग्राम पारसिंगा में दुर्लभ प्रजाति का दिखने में छोटे डायनासोर जैसा ये प्राणी विचित्र दिखाई देता है और किसी भी संकट का एहसास होने पर अपने आप को गेंद के आकार में तब्दील कर लेता है। इसका खोल इतना कठोर और मजबूत होता है कि इसे कोई भी शक्तिशाली जानवर नुकसान नहीं पहुंच जा सकता। कल रात पारसिंगा के ग्रामीण ने सर्पमित्र मोनू तायवाड़े को विचित्र जीव होने की सूचना दी। मोनू तायवाड़े ने ग्राम पारसिंगा पहुंचकर तरुण विकोंडे के मकान में पेंगोलिन को पकड़ा और जानकारी वन विभाग को दी। सुबह वन विभाग के हवाले कर दिया। वन परिक्षेत्र के अधिकारी नितिन पवार ने बताया कि दक्षिण वन मंडल मुलताई के क्षेत्र ग्राम पारसिंगा में खेत में बने मकान में पेंगोलिन का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर वन कर्मियों के मदद से पेंगोलिन को जंगल में छोड़ दिया गया। वन अधिकारी नितिन पवार ने बताया कि ग्राम में मिले दुर्लभ स्तनधारी जीव पेंगोलिन का स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। मुलताई संवाददाता अविनाश तायवाड़े की रिपोर्ट। आपको ये जो जीव है वो कब नजर आया? ये हम घर में सीरियल देख रहे थे जी, शिरडी वाले साई बाबा की जी, तो वो पलंग के नीचे चला गया था, तो वो हमको लगा वो एक कवर भी चुका है जी, तो वो है करके देखा जी, तो वो फिर उसके पीछे पीछे आया तो वो बाहर निकला जी, और वो बिल्ली ऊपर से देख रही थी उसको, तो उसके यानी उसको देखते देखते जा रही जी, फिर हम टार्चर जैसे दिखा रहे थे उसको, तो वो पास में आ रहा था, हमको लगा कि काट वाट देगा घर, फिर वो पीछे गया तो हम पीछे देखते देखते। ठीक, तरुण सर ने आपको फोन लगाया जी? जी ठीक है सर।